अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है भैया तो रामचरितमानस पढ़ के आइए, रामायण पढ़ के आइए, हमारी हिस्ट्री को रिक्रिएट मत कीजिए। एक बार किसी भी अन्य धर्म के साथ ये कर देंगे ना, अगले दिन मनोज मुंतशिर जी का पता नहीं लगेगा। मैं सही तौर पे कह रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा। आप अगर किसी लेसन को जानते ही नहीं है तो उसे कास्ट क्यों कर रहे हैं? इन्होंने तो रावण भी ऐसा दिखाया है ना कि अगर सच में रावण होते ना, रावण ऐसा छपरी रावण देखकर ना खुद के भी नाभि में गोली मार लेता। मतलब आप आज की जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये दिखा रहे हैं ए तेरे बाप का, ये थोड़ी ना कोई वैल्यू होती है। आप दिखाइए, एक भाई ने अपने दूसरे भाई को तकलीफ में देखकर लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ वनवास अपना लिया। आप ये दिखाइए। अगर इन्होंने असली रामायण बनानी होती ना तो सही तौर पे बता रहा हूं, अरुण गोविल जी को और दीपिका जी को दोबारा कास्ट करते ना, जो 700 करोड़ लगाए हैं वो 7000 करोड़ में रिटर्न आता। सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो हमारे देश के सनातन मूल्यों का अपमान करे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। आदि पुरुष को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, जब से मूवी रिलीज हो रही है लगातार ट्रोल हो रही है। आदि पुरुष के जो डायलॉग लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने लिखे, और मनोज मुंतशिर अब सफाई देने के लिए सामने आए और वो ये कह रहे हैं कि हमने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि जो बच्चे हैं उन तक इस पूरी मूवी पहुंच पाए और जो नई जनरेशन है वो रामायण से सीख ले सके। आदि पुरुष में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनका मेन कोशिश ये थी कि किसी भी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचे और जो बच्चे हैं वो सीख ले पाएँ। तो क्या वाकई में बच्चे इससे कोई सीख ले रहे हैं? जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नयन मार्कन, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मूवी देखकर क्या है, इनको मूवी कैसी लगी। नयन, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। नयन, ये बताइएगा कि आप खुद ये मूवी देखने के लिए गए हुए थे, आपको ये मूवी कैसी लगी? मैं मूवी देखने गया तो था लेकिन एक घंटे में वापस आ गया, और साथ में अगर मेरा बस चलता ना तो 2-3 टमाटर भी लेके जाता, मूवी के प्रोड्यूसर्स पे फेंकता और वो मुंबई पे गिरते। बिल्कुल सही बोला है इस समय मैंने, क्योंकि मूवी इतनी गंदी, इतनी घटिया और इतनी बेहुदा है कि अगर आप मूवी देखने जाएंगे भी और 5 मिनट बैठ, पहली बात तो मेरी प्रतिक्रिया है और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा 10-15%, 100% जो रिव्यूज़ आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं भैया पैसे वेस्ट मत कीजिए, मूवी देखने जाइए मत, क्योंकि मूवी इतनी गंदी और घटिया है कि आप बैठ भी नहीं पाएंगे चैन से वहां पर। और सही तौर पर मूवी आदि पुरुष बनाई और नाम तो ऐसे रखा आदि पुरुष जैसे पता नहीं क्या कौन सी सभ्यता थी इसमें, लेकिन मूवी देखने में एक घंटे में सारी सभ्यता नग्नता में तब्दील हो गई। जिस तरीके से माता सीता को इन्होंने चित्रित किया है ना ऋषभ भाई, उस तरीके से तो शायद रावण ने भी अपनी नजर में नहीं सोचा होगा। माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी, उन्हें आप ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें नग्नता दिखा रहे हैं और उनके बारे में ऐसी चित्रताएं दिखा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी, मैं आने वाली पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूं जिसे भावी पीढ़ी कहा जाता है, इंडिया युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है, क्या असर पड़ेगा हम पे? हम यही सोचेंगे कि भैया हमारे देश के देवी देवता तो ऐसे ही होते होंगे, ये नहीं बताया जाएगा कि ये बॉलीवुड ही ऐसा है, ये सैफ अली खान ही ऐसे हैं। आने वाले समय में और सवाल पूछेंगे और जवाब दूंगा, लेकिन साफ और स्पष्ट तौर पे जो सभ्यता रामानंद सागर की रामायण में थी ना, जो सभ्यता उनकी रामायण में थी, एक बार देख के लगता था कि वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे होने चाहिए। सारी मर्यादाओं को नग्नता में आदि पुरुष नाम की इस फिल्म ने बदल दिया है। आपने आदि पुरुष देखी और आपने बताया कि रामानंद सागर जो है उनकी रामायण से इसमें काफी बदलाव है, तो रामानंद सागर की रामायण के जब आपके माँ बाप के तमाम लोगों ने, अगर आपने जो है आपके माँ बाप ने रामानंद सागर की रामायण जो है वो देखी होगी और आपको भी बताया होगा, तो आपको लगता है रामानंद सागर की रामायण में ऐसा कुछ भी था जो आदि पुरुष में दिखाया गया? रामानंद सागर जी की रामायण में सभ्यता थी, इसमें नग्नता है। रामानंद सागर जी की रामायण में सौम्यता थी। एक बड़ा एग्जांपल अरुण गोविल जी का लूंगा, वो जब स्माइल करते थे ना तो लोग उनके पैर छू लेते थे। आपको याद है अभी मुश्किल से 1 साल पहले की बात, एक मुस्लिम परिवार उन्हें एयरपोर्ट में मिला था, वो वीडियो वायरल हो गई थी, मुस्लिम परिवार उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। रामायण का एग्जाम्पल ये है, रामायण का एग्जाम्पल ये है कि अरुण गोविल जी एक समय जब चेन्नई में शूट कर रहे थे, उन्होंने खुद कपिल शर्मा शो जो एक पॉपुलर शो आता है हास्य का, उसमें बताया कि जब वो सिगरेट पी रहे थे तो मद्रास के कुछ लोगों ने, जो उस समय प्रोडक्शन के टीम के साथ थे उनके, उन्होंने खुद बोला कि आप, हम आपको भगवान मानते हैं, ऐसा चित्रित मत कीजिए। यहां तो राम भी ऐसे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं उन्हें राम भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो राम जी
ये तो राम जी की छोड़िए, ये तो उनकी इमेजिनेशन से भी परे है। और सही तौर पे इन्होंने तो रावण भी ऐसा दिखाया है ना कि अगर सच में रावण होते ना, तो सही तौर पे बता रहा हूँ, रावण ऐसा छपरी रावण देखकर ना खुद के भी नाभि में गोली मार लेता, या अभी प्रेजेंट डे में जिसे गोली खुद में तीर मार लेता, लेकिन वो ऐसा रावण नहीं दिखता। रावण ऐसे महापंडित जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान है, जिन्होंने शिव तांडव स्त्रोतम लिखा है, जिन्होंने उसे गाया, जो महापंडित कहलाए जाते हैं, चारों वेदों का ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, आप बताइए ऐसे रावण जिन्होंने सीता माता के साथ भी रावण ने मर्यादा रखी थी, उन्होंने छुआ नहीं था, लेकिन इसमें तो रावण भी ऐसा है तो छपरी गैंग का हेड लग रहा है। और इसे रावण भी नहीं कहूँगा, ये तो मेरे ख्याल से शिव भगवान के इतने बड़े भक्त की अपमानता होगी, क्योंकि शिव भगवान के भक्त को हम क्या सोचते हैं, रावण जी जिन्होंने उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या किया, जिन्होंने शिवलिंग खिलजी बता रहे हैं रावण, खिलजी जैसे लग रहे हैं रावण भैया, वो खिलजी नहीं लग रहे, वो मुझे औरंगजेब के वंशज लग रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने रावण को प्रस्तुत किया है ना, ऐसे लग रहे हैं कहीं और देश से रावण निकाल के आए हैं, इन्हें सैफ अली खान ही मिले थे रावण में। अगर आपको आदि पुरुष, अब मैं सही बताता हूँ, 700 करोड़ का नाश मार दिया इन्होंने, अगर इन्होंने असली रामायण बनानी होती ना, तो सही तौर पे बता रहा हूँ, अरुण गोविल जी को और दीपिका जी को दोबारा कास्ट करते ना, जो 700 करोड़ लगाए हैं, वो 7000 करोड़ में रिटर्न आते। ये बताइएगा कि रामायण को लेकर के तमाम लोग जो है उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में रामायण का मंचन होता है, अलग अलग देश जो हैं, चाहे वो मुस्लिम देश भी हो, वहाँ पर भी रामायण का मंचन किया जाता है। ऐसे में अगर आदि पुरुष जैसी मूवी बनाई जा रही थी, तो आपको नहीं लगता कुछ और रिसर्च करनी लेनी चाहिए थी मूवी बनाने से पहले? इंडोनेशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, उसके बाद भी उनकी करेंसी में गणेश जी वास करते हैं, और वहाँ पर मुस्लिम 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इंडिया से भी ज़्यादा। खैर तो आंकड़ा आधा कम हो चुका होगा, कोई नहीं, फिर भी अभी के लिहाज से 2011 के सेंसस के इंडिया में, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो रामायण को देखना पसंद करते हैं। ये है रामायण की खूबसूरती। थाईलैंड के राजा तो राम जी को अपना वंशज, राम जी के वंशज खुद को कहते हैं, ये है रामायण की खूबसूरती। लेकिन यहां राम जी, यहां रामायण की, और यहां भगवान, माफ कीजिए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की खूबसूरती का इन्होंने नाश कर दिया, और साफ तौर पर नाश नहीं किया, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है भैया, तो रामचरितमानस पढ़ के आइए, रामायण पढ़ के आइए, लेकिन अपनी हिस्ट्री को, हमारी हिस्ट्री को रिक्रिएट मत कीजिए। और जो मनोज मुंतशिर जी बोल रहे हैं ना कि हम रामायण को रिक्रिएट करना चाहते थे बच्चों के लिए, रामायण कभी रिक्रिएट नहीं हो सकती। रामायण 10,000 साल पुरानी रामायण हमारे लिए आज भी वैसी ही रामायण, क्योंकि उसमें सभ्यता है, उसमें सुशीलता है, उसमें हमारी देवी देवताओं को दिखाया गया है। सही और कठोर टिप्पणी, अगर मनोज मुंतशिर जी जिस तरीके से भगवा चोले की एक्टिंग करते हुए पूरे अभी वर्ल्ड में दिखाए गए ना, आपका भंडा फूट चुका है, बिल्कुल फूट चुका है। और एक और जो इन्होंने दिखाया मेघनाथ जी का, आप अगर किसी लेसन को जानते ही नहीं हैं, तो उसे कास्ट क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है ये। अगर आप किसी चीज़ को जानते ही नहीं हैं उसके बाद भी, मतलब अगर ये तो वही बात हो गई कि मुझे हिस्ट्री का चैप्टर नहीं आता और मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप ये चीज़ें कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। ये बताइएगा नयन की जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है पूरे देश में, जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, बाइकॉट का ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक आ जा रहा है कि हनुमान जी जो है उनकी भाषा जो है कभी ऐसी हो सकती है जिस तरीके के डायलॉग इस मूवी में दिखाए गए? तेल तेरे बाप का, ये तेरे बाप का, मैं तो बोल भी नहीं सकता। खैर, मतलब हनुमान जी भगवान हमारे महाभोलेनाथ के, भोलेनाथ जी हमारे देवाधिदेव महादेव, उनके अवतार माने जाते हैं हनुमान जी, भगवान श्री राम के सेवक माने जाते हैं हनुमान जी, और माता सीता और भगवान श्री राम को अपने सीने में बसाते हैं हनुमान जी, जब उनका सीना खुलता है तो दोनों वास करते हैं। ऐसे निवासी और ऐसे भगवान श्री हनुमान जो अमर भी हैं, उनके साथ, उनकी भाषा के साथ क्या करना चाहते थे ये लोग, ये तो सही तौर पे मैं बताऊंगा ओवैसी की टाइप की भाषा है, सही तौर पर अगर मैं बताऊंगा तो। और जिस तरीके की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है ना, माफ कीजिए, रावण भी ऐसी भाषा का प्रयोग अपने घर में उस समय भी नहीं करता होगा जिस समय इन्होंने आज किया है। रिक्रिएशन में आप दिखाते बच्चों को कि कैसे हनुमान जी ने, क्या कहते हैं, एक तरीके से पूरी जड़ी बूटी का पहाड़ उठा लिया, और कैसे लक्ष्मण जी की सेवा के लिए कैसे कार्य किया, कैसे उनकी जान बचाई, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मण जी भी नहीं है तो बात ही छोड़ दीजिए। और जिस तरीके की इन्होंने भाषा की सभ्यता की आपने बात करी है ना, ये भाषा की सभ्यता नहीं है, ये भाषा की नग्नता है।
आपने कहा कि ये जो भाषा है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हो सकती। हनुमान जी जो है उनकी भाषा को लेकर के मनोज मुंतशिर ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि जो बच्चे हैं वो इसी तरीके की भाषा से जल्दी कनेक्ट करेंगे, इसलिए हमने कहा कि जो है तेल भी तेरे बाप का, लंका भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, इस तरीके के डायलॉग बनाए। तो आपको लगता है नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके के डायलॉग सिखाए जाने चाहिए? मतलब अगर मनोज मुंतशिर जी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उन्हें पर्सनली अटैक नहीं कर रहा, अगर मनोज मुंतशिर जी के बच्चे रामायण देखेंगे तो कल को आएंगे ए लेकर आ, ए जा ये लेकर आ। मतलब अगर मनोज मुंतशिर जी के बच्चे भी उनसे ऐसी भाषा में प्रयोग करेंगे कि ये तेरे बाप का, ये तेरे बाप का, तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे ही इस देश में जो भी 35 करोड़ बच्चे हैं ना, जिसमें इंक्लूडिंग मैं हूं, वो यही सोचते हैं कि रामायण भगवान श्री राम की है, रामायण माता सीता की है, इसकी सभ्यता, इसकी सरलता होनी चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अगर आपको इतिहास नहीं पता तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी मत कीजिए। रामायण, हम रामायण को नहीं बनाएंगे, रामायण से हम बने हैं, हम रामायण को नहीं बना सकते, हमें रामायण की तरह बनना होगा, हमें भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह बनना होगा। और सही तौर पे ये बॉलीवुड को ही, मेरे ख्याल से तो बॉलीवुड को बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जिसने भगवान श्री राम को लापता बताया, ये वही बॉलीवुड है जिसने पीके में भगवान श्री, क्या कहते हैं, भोलेनाथ जी को गुटखा खाते हुए भगाते हुए पीके में दिखाया, ये वही बॉलीवुड है जिसने गणेश जी को लापता बताया। एक बार किसी भी अन्य धर्म के साथ ये कर देंगे ना, अगले दिन मनोज मुंतशिर जी का पता नहीं लगेगा। मैं सही तौर पे कह रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा दूसरे धर्म के साथ करेंगे तो क्या हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा नयन कि जिस तरीके से जो लंका है उसके विषय में भी जो है रामायण के तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर यहाँ जो लंका है उसका कुछ और ही तरीके का दिखाई दे रही है, आपको लगता है ये भी एक बड़ा जो है मिस्टेक? कोयले की लंका, देखिए महादेव जी ने पार्वती माता को गिफ्ट करी थी, जिसे हम आमतौर पर उपहार कहते हैं, सोने की लंका, और बाद में उन्होंने वो रावण जी को दे दी थी। लेकिन यहाँ तो उनका, और मैं इनका भी अपमान मानूंगा, क्योंकि आप हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोयले की लंका दिखा रहे हैं, और जो रावण का पुष्पक विमान था उसको भी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो पता नहीं चमगादड़ों का विमान बन के आ गया हो। और रावण भी सही तौर पे ऐसा लग रहा है वो छपरी नहीं होते, वो चेन पहन के घूमते हैं और वो चक्री घुमाते, कहते हैं ए तेरे बावे, वो मुंबई वाली भाषा, मुंबई ची बोलते हैं, ये वैसी भाषा का मुझे प्रयोग लग रहा है सही तौर पे। मतलब रावण को पूरी तरीके से छपरी इन्फ्लुएंस में घुसेड़ दिया गया और कोई कार्य नहीं किया गया और रामायण का गर्दा उड़ा दिया गया है। इस बार पूरे कैरेक्टर्स जो भी वहाँ पे रामायण के हैं उनको, लंका में खास करके जो राक्षस दिखाए गए उनको, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा रखा हुआ था, उन्होंने नहीं रखा हुआ था स्पेशल जो आज की जनरेशन का था, जिस तरीके के बाल जो हैं सबके काटे गए हैं आज की जनरेशन की तरह। जनरेशन वाइज गैप कभी नहीं हो सकता ऋषभ भाई, आप भगवान की तरह नहीं बन सकते। आप भगवान की तरह बनने का प्रयास कर सकते हैं, उनके मूल्यों के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन आप उनकी तरह कभी बन नहीं सकते। और सही तौर पे हनुमान जी के लिए जो सीट छोड़ी गई थी ना, मुझे लग रहा है हनुमान जी अगर वहाँ मौजूद होते ना तो गधा उठा के ऐसा मारते वो मुंबई में मनोज मुंतशिर के सर पर ही लगता और कहीं नहीं लगता। क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग हनुमान जी को करते हुए दिखाया गया है ना, उससे अगर हनुमान जी भी होते, वैसे तो वो अजय अमर हैं, वो कहीं ना कहीं होंगे ही श्री राम जी की भक्ति में लगे होंगे, लेकिन अगर वो उस समय स्टूडियो में होते तो रावण जी का वो तीर उनकी नाभि से मनोज मुंतशिर के लगता और वो भी वहां लगते, क्योंकि इतनी घटिया तरीके से रावण की सभ्यता को नकारा। और ये होता क्या है, मतलब आप आज की जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हैं? आप आज की जनरेशन को दिखाइए अपने, क्या कहते हैं, पिता के अनाशार पर अपने 14 साल का वनवास, उन्होंने राम राज्य त्याग दिया, राम जी ने अपना, क्या कहते हैं, राज्य त्याग दिया, वो वनवास पे चले गए, उन्होंने सारे सुख भोग त्याग दिए। आप ऐसा दिखाइए कि अपने माता पिता का इस तरीके से आदर्श कीजिए, आप ये दिखा रहे हैं ए तेरे बाप का, ये थोड़ी ना कोई वैल्यू होती है। आप दिखाइए उन्होंने अपनी, एक भाई ने अपने दूसरे भाई को तकलीफ में देखकर लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ वनवास अपना लिया, आप ये दिखाइए। आप ये मत दिखाइए कि दूसरा भाई गायब हो गया है, ये बहुत गलत है। आपने देखा कि रामायण जो है, चाहे वो चाहे कथा मंचन होता हो या फिर रामायण जो है रामलीला के तौर पे लोगों को दिखाई जाती हो, सबका उद्देश्य हमेशा से रहा है कि आदर्श जीवन क्या होता है, आदर्श भाई क्या होता है, आदर्श पत्नी क्या होती है, आदर्श राजा क्या होता है, आदर्श जो है वो पुरुष क्या होता है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो ये जो है संकल्पना जो हमेशा की जाती है, ये क्या आदि पुरुष में आपको दिखाई दी? मेरे को
आखिरी तौर पर बोल रहा हूँ, मुझे आदि पुरुष एकदम बकवास, एकदम घटिया फिल्म लगी है। मैं इसे बॉयकॉट तो छोड़िए, इसके ट्रेलर भी देखना किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर मुझे ही गालियाँ देगा सही तौर पर मैं बताऊँ तो। क्योंकि ऐसी फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो भैया खिलजी भी अगर इस समय जिंदा होता ना, सही तौर पर बता रहा हूँ, तो वो भी उस रावण से अच्छा दिखता। जिस तरीके का रावण इन्होंने दिखाया ना, घटिया और बेहुदा, सही तौर पे बता रहा हूँ। और खिलजी भी होता तो वो ऐसी घटिया रामायण प्रोड्यूस नहीं करता जैसी इन्होंने बिल्कुल ही निचले स्तर की कर दी है, थोड़ी करता। और सही और आखिरी तौर पर आपको किसी भी किसी के साथ भी किसी की आस्था के साथ किसी भी धर्म के मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो हमारे देश के सनातन मूल्यों का अपमान करे। आपने देखा कि मनोज मुंतशिर आज तक पे लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं और बैठ करके, और वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं और ट्विटर पर इसका बाइकॉट चल रहा है, ये सिर्फ एक आईटी सेल है जो जानबूझ करके सेम ट्वीट लगातार कर रहा है और ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर असलियत ये है कि ट्रोलर्स जो हैं ये घबराए हुए हैं इस मूवी की कामयाबी से, और इस मूवी की कामयाबी उनसे देखी नहीं जा रही। मैं मनोज मुंतशिर जी पे कोई टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा एक भगवा चोला ओढ़ कर आए थे आंधी में, आदि पुरुष की आंधी में वो चोला उड़ गया, बस धन्यवाद। अच्छा, लास्ट संदेश जो है, अभी तक जो दर्शक सिनेमा हॉल में देखने नहीं गए हैं वो लगातार आपके इंटरव्यूज देखते हैं और तमाम लोग हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, उनको क्या ये मूवी देखने जानी चाहिए? देखिए, अगर आप ये मूवी देखने जाना चाहते हैं, पहले तो अपने बच्चों को रामानंद सागर जी की रामायण दिखा दीजिए, इससे अच्छा तो वो उससे इतने खुश हो जाएंगे कि अगले दिन आपके लिए वनवास को तैयार हो जाएंगे। और अगर आप ये रामायण दिखाना चाहते हैं तो 2-3 टमाटर साथ में लेके जाइए और इसके साथ ही प्रोड्यूसर पर फेंकिए अगर आप मुंबई में रहते हैं, कहीं और रहते हैं तो। लेकिन ये रामायण बिल्कुल मत देखिए, धन्यवाद। तो लगातार नयन से बात कर रहे थे, ये मूवी देखकर भी आए और इन्होंने साफ शब्दों में लोगों को बताया कि किस तरीके से जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके जीवन पर आधारित रामायण की कहानी अभी तक जो है लोग सुनते आए थे, वैसा आदि पुरुष में इनको कुछ भी नहीं दिखा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी, धन्यवाद, जय हिंद।